الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صدر محترم اور جمعیت علماء کے ورکرز, علماء کرام, میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جمعیت علماء کی مجلس منتظمہ کا اجلاس ہے اور میں اس میں حاضری کی سعادت حاصل کر سکا. جمعیت علماء ہند ملک کی آزادی کے بعد اپنے تمام اکابر رحمہم اللہ کے ایک فیصلے کی بنیاد پر, جو متفقہ فیصلہ تھا, ایک غیر سیاسی اور ایک مذہبی جماعت ہے. سیاست سے جمعیت علماء کا کوئی تعلق نہیں ہے. ملک کی آزادی سے پہلے تھا, ہو سکتا تھا کہ کچھ جمعیت علماء کے ورکرز یہ تصور کرتے ہوں کہ ملک کی آزادی کے بعد جمعیت علماء کوئی سیاسی جماعت بنے گی, اسمبلی اور پارلیمنٹ کے الیکشن لڑے گی, لیکن سب نے بیٹھ کر متفقہ فیصلہ کر دیا کہ جمعیت علماء خالص مذہبی جماعت ہے, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. افراد جمعیت علماء کے عہدے دار آزاد ہیں, کسی بھی غیر فرق پرست جماعت کے ساتھ الیکشن میں الیکشن لڑ سکتے ہیں, لیکن خود جمعیت علماء کا اپنا کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہوگا. جمعیت علماء اسی کے اوپر 70-75 سال سے چل رہی ہے. درمیان میں بہت سے مسائل ہیں جو کل سے اس وقت تک آپ کے سامنے آئے ہوں گے. میں بھی کل سے آیا ہوا ہوں, لیکن میری طبیعت اتنی خراب ہے کہ میں اس تصور سے گھبرا رہا تھا کہ مجھے نیچے سے اوپر تک سیڑھیوں پر چڑھنا پڑے گا, جو میرے لیے گویا کہ کل تو ممکن ہی نہیں تھا. آج میں آہستہ آہستہ آ گیا. اس وقت مسئلہ عصری تعلیم کا چل رہا تھا. جمعیت علماء ہند عصری تعلیم کی مخالفت کرنے والی جماعت نہیں ہے. جمعیت علماء ہند ملک کی آزادی کے بعد اس کا ایک فیصلہ ہے جو تعلیمی اعتبار سے سب سے پہلا فیصلہ تھا کہ صباحی اور مسائی مکاتیب کھولے جائیں. اس نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ مسلم اپنے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا کر مدرسوں میں پہنچایا جائے, یہ نہیں فیصلہ تھا. جو بوڑھے زندہ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ فیصلہ یہ تھا کہ اسکول جانے سے پہلے مذہبی مکاتیب کھولے جائیں, مسلمان اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں,
एक घंटा दो घंटा जैसा मौका हो पढ़ें। इस वक्त नहीं पढ़ सकते तो शाम के मकातीब हों उसमें घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा पढ़ें। जिसका मतलब है कि हम जिस तरह मजहबी तालीम के मोहताज हैं अपने अंदर और अपनी नस्लों के अंदर, इसी तरह हम दुनिया की तालीम के भी मोहताज हैं। उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। हमें अगर बेहतरीन मुफ्ती की ज़रूरत है तो हमें बेहतरीन एडवोकेट की भी ज़रूरत है। अगर हमें बेहतरीन हिफ्ज कराने वाले की ज़रूरत है तो हमें बेहतरीन प्रोफेसर की भी ज़रूरत है। हर मैदान के अंदर आदमी पैदा होने चाहिए, पैदा करने चाहिए, लेकिन पहले उनको मुसलमान रहना चाहिए, इस्लामी अकीदे से वाकिफ रहना चाहिए। वो एडवोकेट बन जाएं और उन्हें कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मालूम न हो, इसका मतलब ये है कि यह आदमी बर्बाद हो गया। इसलिए कि बग़ैर इस कलमे के उसका ईमान पर ख़ात्मा नहीं होगा। ये एक बड़ी बुनियादी ज़रूरत है। ये मित्रमा ने यह समझा और इसके लिए सबाई और मसाई मकातीब को शुरू कर दिया, मदरसों को शुरू कर दिया। ऐसा लगता था कि जैसे सारी जमीयत उलमा इसी पर लगी, जहाँ गए वहाँ मदरसा खोल दिया। अपने अकाबिल का ये तरीक़ा रहा था। सैकड़ों मदरसे हुसैनिया नाम से मशहूर हैं, हजरत रहमतुल्लाह अलैह की बुनियाद रखी हुई है, मौलाना अब्दुर्रहमान साहब की बुनियाद रखी हुई है, मुफ्ती आलम की बुनियाद रखी हुई है। ये तमाम तरीक़े चल रहे थे। वक्त बहुत कम है, मैं तो अपनी बात बड़ी मुख्तसर अंदाज में कहता हूँ जो अभी हो रही थी। मसला ये है कि असरी तालीम और दीनी तालीम दोनों को किस तरह चलाया जाए। जमीयत उलमा असरी तालीम की मुखालिफ नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जमीयत उलमा असरी तालीम दुनियावी तालीम खालिस ऐसी कि जिसके अंदर मुसलमान बच्चा दीन से ना आशना और ना वाकिफ रहे, इसकी मुखालिफ है जमीयत उलमा। इसीलिए सबाही और मसाई मकातिब खोले गए थे। और हम आगे बढ़े, ये लगने लगा कि अब इन 10 सालों के अंदर ऐसा लगा कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी बनेगी कि बच्चा 14 साल तक पहुंचते पहुंचते हर बच्चा चाहे वो जहां भी रहता हो उसे 10वीं को पास करना है। जिसका मतलब है कि असरी तालीम हर बच्चे के लिए पढ़ना लाजिमी है। बग़ैर उसके पढ़े हुए न हम उसको आलिम समझेंगे न गवर्नमेंट उसे छोड़ेगी। जिसका मतलब ये है कि ये लगने लगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि हर बच्चे के लिए 10वीं तक की तालीम हासिल करना लाजिम है। अब सवाल पैदा होता है कि किस तरह होगा। हमारा अपना जो एक निसाब तालीम है वो कुरान के हिफ्ज के बाद 8 साल का तालीम है दारुल उलूम देवबंद, और उसके मिनहज उसके तरीक़े के ऊपर जो लोग चलते हैं उन्हें 8 साल तक अपनी तालीम को पूरा करना है। कैसे हो बात, दोनों को जमा कैसे किया जाए? ये हम जानते हैं अपने 83 साल तजर्बे के बाद कि दोनों साथ नहीं चल सकते। दारुल उलूम में बैठकर हमने गौर व खोज किया और हम एक नतीजे पर पहुँचे
कि अगर तालीमी पॉलिसी वो है कि हर बच्चे को दसवीं या बारहवीं पास करना ही करना है तो दारुलूम उससे मुस्तस्ना नहीं रह सकता। हमें अपने बच्चों को वहाँ इस उम्र तक दसवीं या बारहवीं पास कर लेना है। तो सवाल पैदा होता है कि दुनिया की इस तालीम और दीनी तालीम के साथ बच्चा पढ़े कैसे। आप हजरात मदरसों से फारिग हैं, आप हजरात खूब समझते होंगे कि तालिब इल्म बिल्कुल इब्तदाई तालीम यानी नहव व सर्फ की तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम को पढ़कर अपने आप को आगे बढ़ा दे, ये मुमकिन नहीं है। हमारा जो निसाब तालीम है वो इसका मुतहम्मिल नहीं है। कोई बच्चा अपने अंदर ऐसा हुनर रखता हो ये अलग बात है। इसलिए हमने एक बात तय की और खूब गौर व खोज करके तय की और ये फैसला करके तय की कि आया ये हो सकता है या नहीं हो सकता। जब हम और हमारे बुज़ुर्ग असरी तालीम के मुखालिफ नहीं हैं तो असरी तालीम ऐसा शजर ममनुआ नहीं है कि वो मदारिस इस्लामिया के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। हो सकती है, हम उसे करेंगे, लेकिन हम अपना निज़ाम तालीम ऐसा बनाएंगे कि बच्चा हिफ्ज़ नादरा कुरान पढ़ता है, हिफ्ज़ कुरान करता है, फिर उसके बाद दौर करता है, फिर उसके बाद वो फ़ारसी पढ़ता है। फ़ारसी के साल जमात को पूरा करके अब उसके बाद वो मीज़ान में दाखिला लेता है। कम अज़ कम 3-3.5 साल उसको नादरा और हिफ्ज़ कुरान में लग जाते हैं। आम तरीक़े पर दौर में 1 साल उसको लगता है कुरान हिफ्ज़ का। फिर दारुलूम देवबंद के अंदर 3-5 साल का है, लेकिन मैं कहता हूँ और मदरसों में फ़ारसी के 3 साल पूरे करता है, फिर उसके बाद वो अरबी के अंदर आता है। हम ये जानते हैं और चूँकि हमारी ज़िंदगी गुजरी है इसी तालीम में कि बच्चा अरबी दरजात में और ख़ास तरीक़े पर इब्तदाई 3 सालों के अंदर उनकी ऐसी अहमियत है कि अगर तालिब इल्म इब्तदाई 3 सालों में कमज़ोर रह गया यानी नहव व सर्फ की तालीम में उसको दस्तरस नहीं हुई तो कोई भी पढ़ाने वाला पढ़ा दे वो अपनी ज़िंदगी में तालीमी एतबार से कामयाब नहीं हो पाएगा। जिसे मालूम नहीं कि फ़ाइल क्या है, मफूल क्या है, मफूल फ़ी क्या है, मफूल भी क्या है, हाल क्या है, ज़ुलहाल क्या है, मौसूफ़ कौन है, सिवत को किस तरह से वो कुरान को समझेगा और किस तरह वो हदीस को समझेगा। हमने बैठ करके ये तय किया कि हमें अपना निज़ाम तालीम ऐसा बनाना चाहिए कि हम बच्चे को मीज़ान शुरू करने से पहले 10वीं पास करा दें। जब वो अरबी शुरू करे और मीज़ान को शुरू करे तो अब इसके साथ असरी तालीम नहीं होगी, उसको लेकर के हम आखिर तक लेकर के चलेंगे। जो पढ़ेगा इस नहज पर पढ़ेगा और दारुलूम इसी नहज पर उसको लेकर आगे बढ़ेगा। हम ये समझते हैं कि आम तरीक़े पर हिफ्ज़ कुरान के बाद जो अरबी क्लासें शुरू कर दी जाती हैं ये बच्चे 10वीं पास करके आएंगे, इनमें ज़्यादा शुरूर होगा समझने का। हम अपने बच्चे को जब कहते हैं फ़ेल माजी, फ़ेल मुज़ारे, उसकी समझ भी नहीं आता क्या है माजी, क्या है मुज़ारे, मुस्तकबिल किसे कहते हैं, इसलिए कि उसने कुछ पढ़ा ही नहीं, उसे तो हिफ्ज़ पढ़ाया गया
हिप्स के बाद इसमें डाल दिया गया। अगर आप उसको ये तालीम दे करके दसवीं पास करा देंगे, उसके अंदर शुऊर पैदा हो जाएगा। अब माँ बाप उसको सिर्फ अरबी ले करके चलाएंगे तो पहले हमें मालूम है, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि मीज़ान एक महीने के अंदर ख़त्म कर ली, तीन महीने के अंदर नौमीर को पूरा कर लिया। आज हम सोचते भाई ये कैसे हो गया, इसीलिए हो गया कि वो बुनियादी इस्तलाहात जो आज हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चा पहले से दसवीं तक पास करके आएगा वो उन इस्तलाहात से वाकिफ होगा, हमारे लिए सहूलत हो जाएगी। हमने इस निसाब को बनाने के लिए दारुल उलूम देवबंद के शूरा के मेंबरान की और दूसरे लोगों की एक जमात बनाई, बैठे बातचीत की और हमने शुरू करने का प्रोग्राम बना लिया। लेकिन बात ये आई कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ये नहीं है कि वो मजहबी मदारिस को छेड़े, इसलिए मजहबी मदारिस आज़ाद हैं, हमने भी उसको रोक दिया। जमीयत उलमा या दारुल उलूम देवबंद असरी तालीम की मुखालिफ नहीं है। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी है कि आप जिन दिनों के अंदर उनको असरी तालीम दे रहे हैं, इन मजहबी तालीम को अलग रखिए, यानी अरबी की तालीम को अलग रखिए। इनको दोनों को अगर साथ लेकर चलेंगे तो आपका बच्चा मजहबी तालीम के अंदर कभी पुख्ता नहीं हो पाएगा। और कुरान और हदीस को, फिक्र को समझने के लिए ये ज़रूरी है। और हमारे बुज़ुर्गों का ये दस्तूर था, आज लोगों को मालूम नहीं है। हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों दिल्ली कॉलेज के पढ़े हुए थे। दारुल उलूम देवबंद का निसाब वो पुराना, उनके ज़माने में अरबी और मीज़ान शुरू करने से पहले आपको ताज्जुब होगा 8 साल का निसाब तालीम था, मैंने अपनी आँखों से देखा है। यानी मीज़ान में दाखिल होने से पहले दारुल उलूम देवबंद में 8 साल की तालीम दी जाती थी। उसके अंदर जोग्राफिया और ख़ास तरीक़े के ऊपर ऐसा हिसाब था कि आज 12वीं का तालिब इल्म उस हिसाब को नहीं जान सकता, पूरा नहीं करेगा। इतना मजबूत और उक्लेदिस, जिसको आज तरीके पर लोग जानते भी नहीं उक्लेदिस होते, उक्लेदिस की जब मैंने पढ़ा है तो 55 शक्लें हिफ्ज कराई जाती थी। मैंने खुद 55 शक्लें हिफ्ज की हैं। आज उक्लेदिस को लोग जानते भी नहीं, कोई नाम और अंग्रेजी नाम होगा, इस्लाम से लोग वाकिफ नहीं हैं। इतना कामिल और मुकम्मल दुनिया का निसाब था, 8 साल का निसाब तालीम। मेरे ज़माने तक जब मैं पढ़ता था कम करके उसे 5 साल का कर दिया गया था, फिर मेरे पढ़ने के बाद घटा करके 3 साल का कर दिया गया। फिर जब मैं नाज़िम तालीमात बना तो मैंने लड़ झगड़ करके उसे 3 साल वाले को मैंने कहा इसे 5 साल का बनाइए, ताकि जोग्राफिया ये बच्चों को मालूम तो हो कि किस तरफ रुख क्या है, मशरिक है, मगरिब है, शिमाल है, जुनूब है, पता ही नहीं चलता तालिब इल्म को। और आप से दौरे की सनद देख के फारिग कर देते हैं। फिर उसे 5 साल का कराया। मैं ये कहता हूँ जमीयत उलमा की ये तहरीक बहुत अच्छी तहरीक है कि बच्चों को दुनियावी तालीम से ना आशना न रखा जाए। लेकिन मैं उन मदारिस को जो मदारिस अरबिया हैं ये कहता हूँ पढ़ाइए, आप ज़रूर पढ़ाइए। दारुल उलूम में अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसा कोई मौका आया कि दारुल उलूम में असरी तालीम का होना ज़रूरी हो गया, और उसी तरीके पर कि 10वीं तक पहुँचते पहुँचते या 12वीं तक 14 साल की उसकी उम्र
होनी चाहिए। हम इंशाअल्लाह दोनों निसाब अलग अलग करेंगे। जब तक ये निसाब है उस वक्त तक अरबी शुरू नहीं होती। जब अरबी शुरू हो जाए अब तालिब इल्म सिर्फ कुरान और हदीस उसके मबादियात को पढ़ेगा, अब उसका ताल्लुक दुनियावी तालीम से अलग है, ताकि हमें बेहतर से बेहतर मुफ्ती मिल सके, हमें बेहतर से बेहतर मुहद्दिस मिल सके, हमें बेहतर से बेहतर कुरान के मानी को पढ़ाने वाला मिल सके। अगर आप इन दोनों को मिला देंगे तो हर इल्म की अपनी पहनी पहचान है, उसके अंजाम और नतायज हैं। असरी तालीम पहला नंबर लेगी, मजहबी तालीम दूसरा नंबर लेगी, मदारिस की जड़ को नुकसान पहुँचेगा। ये हमारा एक तय किया हुआ निज़ाम है जो दारुलूम में बैठकर सब ने मिलजुल कर तय किया है, और हम ये समझते हैं कि ये तहरीक जमीयत उलमा की कि असली तालीम को बस से बच्चे शुरू करें, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। हिफ्ज़ कुरान के साथ ये तालीम चल सकती है, इसलिए कि हिफ्ज़ का मसला सिर्फ रटने रटने का है, समझने का नहीं है। जब आप अरबी के अंदर गए अब रटने का मसला, अब समझने का मसला है। वो तालीम और ये तालीम, वो तालीम इसके लिए हारिज बन जाएगी। वहाँ आप उसके मसले को अलग कीजिए, जो चाहे पढ़ा दीजिए, लेकिन मजहबी तालीम के लिए जिस तरह के अफराद की आपको ज़रूरत है, ऐसे अफराद आप जब ही पैदा कर सकते हैं जब कुरान और हदीस और उसके मबादियात को पढ़ने वाले का कोई मशगला ना हो, सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस ही हो, तब लोग कामयाब आपको मिल सकेंगे। मैंने अपनी बात कही और दारुलूम के अंदर हमने इस मसले को तय किया था, लेकिन जो पॉलिसी सामने आई वो अभी तक यही है कि मजहबी मदारिस को नहीं छेड़ना है। हम इससे खुश हैं, लेकिन हमारा प्रोग्राम तैयार है जिस दिन ये सूरत पेश आएगी कि ज़रूरी है ये तालीम, और हमारी मजहबी तालीम को तालीम का फलसफा बनाने वाले लोग तालीम नहीं समझते हैं, उस दिन ऐलान कर देंगे कि हम इस तालीम को नहीं चलने देंगे, तो हम ताब मकदूर कोशिश करके मजहबी तालीम को चलाएंगे। लेकिन जो ज़रूरी तालीम असली तालीम होगी उस जगह तक पहुंचा करके फिर तालिबे इल्म की ज़िंदगी को इधर ले लेंगे। ये हमारा एक नहज है। मैं ये समझता हूँ कि असली तालीम को लेकर के साथ चलना चाहिए, मगर अपनी तालीम की अहमियत को अपने साथ सामने रखा जाए और इस तरीके पर लेकर चला जाए कि मुसलमान बच्चा मजहबी तालीम से ना आशना न रहे और ना ही असली तालीम उसके लिए हारिज बन सके। बेहतर से बेहतर दुनिया की तालीम को पढ़ने वाला और बेहतर से बेहतर मुफ्ती आलिम दीन बनने वाला ऐसे अफराद अगर पैदा होंगे तो हिंदुस्तान जैसे मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह जिस तरह से आज तक दीनी तालीम मौजूद है और बहुत अच्छे पैमाने पर मौजूद है, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल के अंदर भी इसी तरह चलती रहेगी। मैं सदर मोहतरम का ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी अपने इस इजलास के अंदर, और अल्लाह ताला जमीयत उलमा को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। जिन हालात में मुल्क चल रहा है और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ, ये गोया के अल्लाह के दिए हुए चलाए हुए चराग को बुझाना चाहते हैं। कुरान का फैसला है, يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره
अल्लाह ताला उसके इत्माम तक पहुंचाने वाले हैं। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए, जमीयत उलमा को जो करना चाहिए वो कर रही है कि मुसलमान के लिए जो चिराग नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जलाया था इस्लाम का क़यामत तक और इस्लामी उलूम मआरिफ जिंदा रहें और ज़िंदा रखने वाले काम करते रहें। मैं जमीयत उलमा के सदर मोहतरम को और दूसरे उसके वर्कर्स को आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला दीन की जड़ों को हिंदुस्तान की सरजमीन में मज़बूत से मज़बूत तर करे और जो लोग इन जड़ों को खोखला करना चाहते हैं और इसको अपनी कामयाबी समझते हैं, अल्लाह उन्हें ख़ायब व खासिर फरमाए, रुसवा फरमाए, जलील फरमाए और इस्लाम के चिराग को रोशन रखे। जमीयत उलमा को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।